सरकार या राज्य सरकारों की तरफ से कोई धमकी आ रही हो या झूठे केस में फंसाने की, तो आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति आवाज उठाएगा सरकार के खिलाफ उसको दबाने का प्रयास किस स्तर पर हो रहा है? मतलब बहुत सारे लोग और भी मोर्चा खोले गए, तो उनके लिए भी एक मन में कहीं ना कहीं डर है कि सरकार उन्हें किसी भी केस में फंसा सकती है। देखो, डराना धमकाना तो उन्होंने दो साल में जितना करना था कर दिया, जिंदगी भर का सारा डराना धमकाना मेरी समझ में आ गया। उससे बड़ा कोई डराना धमकाना उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि गुजरात के अंदर तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं, और उनसे बड़ा कोई किसी को डराना धमका भी नहीं सकता। लेकिन उन लोगों का काम ही यही कि लोगों को देशद्रोही और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटना। हम लोगों पर जब देशद्रोह आपको जब आजुक लगेगा कि मैं हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के अंदर गुजरात एक है, फिर भी मुझ पर दो देशद्रोह के केस लगे, एक सूरत में लगा और एक अहमदाबाद के अंदर लगा, जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर किसी आम कैदी को मिलना हो तो कितनी सारी तकलीफें उसको झेलनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट के लोग रात को 12 बजे आते थे, 2 बजे आते थे, आकर समझाते, धमकियां देते, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सही तौर पर गुजरात को पूरी तरह से इन लोगों ने गुलाम बना रखा है। आजादी है नहीं, चाहे वो छोटे लेवल के पुलिस से हो या फिर पूरी न्यायपालिका तक हो। अगर वो चाहे तभी किसी की जमानत हो सकती है, स्वाभाविक तौर पर हम न्यायपालिका को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन मैं गुजरात के अंदर पूरी तरह से ये सारा मामला दबाया गया हुआ है। हम पर बहुत सारे उन लोगों ने अत्याचार जुल्म जो करना था कर दिया। हमें भी यही लगता है जब आते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आए, 2017 में गुजरात के अंदर चुनाव है, शायद ये हो सकता है कि 2018 के तक यहाँ पर बंद कर दे, यहाँ पर कोई नया मुकदमा लगा दे ताकि गुजरात का चुनाव उनका आराम से निकल जाए। ये सारे प्लान करते हैं, लेकिन बाहर निकले हैं तो जो होगा देखा जाएगा। हार्दिक जी, जिस तरह गुजरात में